गाइस एक बहुत ही अच्छी कवर है और मैं सोच रहा था कि इसको मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आप भी जल्दी से इस काम को कंप्लीट कर सकें। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट्स थे जिनका असाइनमेंट्स अभी तक सबमिट नहीं हो पाया था, मैं उनको बताना चाहूंगा कि असाइनमेंट्स का जो डेट है सबमिशन का, उसको बढ़ा करके 15 जनवरी कर दिया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल करके आ रही है इग्नू की तरफ से, जो कि कल ही के दिन ये नोटिफिकेशन स्टार्ट किया गया, आई मीन अपलोड किया गया। 31 दिसंबर 2021 तक ये लास्ट डेट था, बट इसको बढ़ा करके अब 15 जनवरी 2022 तक कर दिया गया है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स थे जो एग्जाम देना चाह रहे थे जनवरी के महीने में, बट अभी तक वो लोग अपना असाइनमेंट सबमिशन नहीं कर पाए थे, मैं उनको बताना चाहूंगा कि 15 जनवरी तक आपके पास टाइम है। आप जल्दी से असाइनमेंट्स को, अगर आपने लिखना स्टार्ट नहीं किया तो लिख लो, 5-6 दिन में जितना हो सके लिख लो, लिख करके सबमिट कर दो। 15 जनवरी तक के भीतर अगर आप सबमिट कर देते हो तो आपको असाइनमेंट्स के मार्क्स मिल जाएंगे और आप जो जनवरी में एग्जाम देने वाले हो उसमें भी आप अटेंड कर पाओगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फॉर्म फिलअप तो कर दिया है अपना जनवरी के लिए, लेकिन अभी तक अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करा है। तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि असाइनमेंट सबमिशन का डेट आपके लिए लकीली बढ़ गया है, 15 जनवरी तक आपके लिए डेट को बढ़ा दिया गया है। तो आप काइंडली फटाफट इसको लिख लो, लिख करके सबमिट कर दो ताकि आप असाइनमेंट्स जब आप सबमिट करो उसके साथ साथ जो आप एग्जामिनेशन दो, दोनों का जो क्या बोलूंगा, जो तालमेल है वो बना रहे, ऐसा नहीं हो कि फिर आगे पीछे हो जाए चीजें, है ना। तो आप 15 जनवरी के भीतर इसको फिलअप कर लो। इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं इसके रिगार्डिंग में आपको सारी जानकारी दे दूंगा। और ये जो सबमिशन हो रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से हो रहा है। मतलब आप फिजिकली जाकर के आपका जो स्टडी सेंटर है आप वहां पे जाकर के आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर किसी की स्टडी सेंटर दूर है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो इन दैट केस यू कैन सबमिट इट ऑनलाइन टू। ऑनलाइन भी सबमिशन का एक ऑप्शन दिया गया है। इसके लिए आपको आपका जो रीजनल सेंटर है उसका जो मेल आईडी है उसके ऊपर आपको सेंड करना होता है। आपको पता है आप अगर किसी भी स्टेट में रह रहे हो, सपोज आप अगर बंगाल में रह रहे हो, तो बंगाल में आपको जो आरसी कोलकाता है, जो इग्नू रीजनल सेंटर है कोलकाता का, वहां पे उसकी वेबसाइट पे आपको विजिट करके वहां का जो मेल आईडी है वो आपको निकालना है और उसी पे आपको जो है अपने असाइनमेंट्स को भेजने हैं, ठीक है। ऑनलाइन सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि आप ऑफलाइन खुद से जाके सबमिट कर दो, क्योंकि उसके बदले आपको जो एक रिसीविंग कॉपी मिल जाएगी, उसको आपके पास रखना है जब तक कि आपके मार्क्स को अपडेट ना कर दिया जाए, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।